And I think Varun's being very kind, और लेकिन मेरे लिए फिटनेस एक रिलीजन है. मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के तारीख में where religion rules the world, for me fitness is the only religion. और in my growing up days, एक ही आदमी को मैं देखता था, वो दैट वाज सिल्वेस्टर स्टालोन. रॉकी के जितने सारे सीरीज हैं मैंने देखे एंड मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था. और स्टालोन की वजह से एक्चुअली आई एम डूइंग फिल्म्स. आई लव हिम. आई थिंक फॉर मी ग्रोइंग अप, आई ग्रो अप बीइंग वेरी इंस्पायर्ड बाय रेसलिंग, बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड नाउ बाय यूएफसी. तो आजकल यूएफसी में इतने फाइटर्स हैं जैसे सिल्वा, गोमेज, मैकग्रेगर. तो आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट मैकग्रेगर. आई थिंक बहुत ज़्यादा फिट है. ही डज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मार्शल आर्ट्स एंड weight training and fighting. So I think MMA is the new way of being fit today. Varun, aaj ki jo activity thi, is activity ke bare mein jab aap dono logon ko bataya gaya, to exactly kya frame of mind tha ki aapko media ke girls ke saath aaj idea was? Actually, Varun ne socha ki hame pura gym milega, because he actually wanted to train everybody very seriously. Usko he had this impression ki agar pura gym mile to hum log dono sare journalists ko train karenge ठीक तरीके से. बट ऑफकोर्स वी गॉट अ नाइस एरिया एंड हमें अच्छा लगा. आई थिंक वरुण ने काफ़ी सारे टिप्स दिए टू द गर्ल्स. यू आर हैप्पी विद द टिप्स? ऑल द गर्ल्स लव योर टिप्स. आई थिंक द आइडिया वाज दैट जब हम लोग फिल्म के लिए ट्रेन करते हैं, एंड आई थिंक रेगुलरली आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है, बट स्टिल दैट मीन्स यू शुड गो टू द जिम, यू स्टिल शुड गो वर्कआउट अगर आप जितने भी थके हो, क्योंकि वर्किंग आउट शुडंट टायर यू, एक्चुअली इट शुड रीजुविनेट यू. तो एंड वर्किंग आउट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डंबल उठा उठा के अपने आप को इंजर करें. एंड आई थिंक जॉन, जिसके पास इतने मसल्स हैं, ही समवन हु बिलीव्स इन वार्मिंग अप, वार्मिंग डाउन, क्योंकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं. एंड स्पेशली आप सबके लिए, आई जेन्यूनली मीन दिस, बिकॉज आप लोग हमेशा कभी कभी नीचे बैठे होते हो, कभी कैमरा के साथ ऐसे बैठे होते हो, कभी खड़े रहते हो, जैसे अभी ही इज हंचिंग एंड ही इज होल्डिंग द कैमरा. एंड बहुत लोगों की उम्र भी हो गई, तो इट्स नॉट एंड जेन्युइनली मुझे कभी कभी बुरा लगता है, क्योंकि लोग मुझसे उम्र भी थोड़े बड़े हैं और बहुत, और मैं बैठा हूँ चेयर पे और लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं. बट फॉर दैट आपको फ्लेक्सिबल रहना या फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप घर पे जाते हो, आप चाहे योगा कर लो या कोई आसन कर लो, बट एटलीस्ट एक घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए दीजिए. अपने आप के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए दीजिए एटलीस्ट. हाँ जी, आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए. मतलब यू नो, यू कैन, अ ट्रेनर कैन गेट यू टू द जिम, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए. अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो कुछ नहीं होगा. मैं आपको बेंचमार्क रखना चाहिए आपके लिए, आपके खुद के लिए. सी, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू गेट टू द जिम इज माय डैड. ही डजंट अग्री, वो मतलब सुनते ही नहीं है मेरी बात. बट जब मैंने उन्हें थ्रेट्स देना शुरू किया दैट, क्योंकि मेरे भाई की शादी हो गई, आई सेड आपको यू वांट टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन और नो व्हाट यू वांट टू डू. तो तब नाउ यू सी ही स्टार्ट गोइंग टू द जिम, ही इज गोइंग फॉर वॉक्स, ही इज स्विमिंग, ही इज लॉस्ट लिटिल वेट. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद नहीं मोटिवेट हो सकते तो अपने बच्चों के लिए मोटिवेट हो जाओ. जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आप लोगों की तस्वीरें भी आई थी जिम से, उस तस्वीरें से आके वरुण वगैरह डालते थे, वो क्या चल रहा था एग्जैक्टली, वरुण आप क्या शेयर करना चाहते? जी, आई थिंक वरुण एंड आई, मतलब वी रियली गॉट अलॉन्ग ऑफ द सेट. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वेन यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा कि एक चीज़ जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगेगा फिल्म के अंदर इज आर केमिस्ट्री. तो जिम के अंदर भी वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था. ऐसे नहीं कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट लेके हम लोग जिम जा रहे थे. हमारे लिए तो एक एक्सक्यूज़ था कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है. वी वांट टू एंजॉय विद ईच अदर एंड वी यूज्ड टू गो टू द जिम एंड वर्कआउट. एंड कैसे आप कर पाते हैं, कुछ खाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आप लोग खा नहीं पाते, आप दोनों अगर शेयर करें? ये बहुत खाते हैं, यानी कुछ मीठा या कुछ ऐसा? मीठा भी खाते हैं. तो जॉन, व्हाट डू यू ईट? जब आपको शुगर रश होता है तो सबको कुछ नमकीन या मीठा खाने का मन होता है. तो हम लोग जंक फूड खाते हैं. जॉन एब्राहम, आप क्या खाते हैं? मैं खजूर खाता हूँ, क्योंकि इट्स अ बेस्ट नेचुरल शुगर, या गुड़ या हनी, बेस्ट नेचुरल शुगर, तो मैं वो खाता हूँ. वेन एवर एक फाइट सीन है, आई थिंक वो पिक्चर लीक भी हुई थी साकिब सलीम की स्पीड बोट पे, और जॉन और मेरे साथ, तो एक सीन है जहाँ जॉन और मुझे साकिब को मारना है. एंड जस्ट बिफोर
जॉन पंच करने जा रहे थे, सडनली बोले मैं हनी, तो सडनली एक शहद की शीशी आई और जॉन ने हनी खाया, और उसके बाद सडनली जॉन ने ऐसे किया और सब पोपा है जैसे स्पिनिच खा के सब भेज रहे। तो मैं और साकेब उधर बोट पे बैठ के जॉन को ये क्या है यार, ये कौन सा हनी है, मैंने तो बहुत बार हनी खाया ऐसे, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद साकेब और मैंने भी हनी लिया, हम लोग ने ऐसे किया, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर इट वॉज गुड, आई मीन हमारे लिए वो हनी अच्छा था, बट कुछ उनको हनी हनी के साथ क्या होता है जॉन, द बॉडी व्हाई डज द बॉडी नहीं, हनी के साथ यही है कि मैं शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ, बॉडी में शुगर नहीं लेता हूँ 4 या 5 दिन के लिए, और जब ये हनी खाता हूँ मैं, द ब्लड अब्जॉर्ब्स द हनी इमिडिएटली, ब्लड एक्सपैंड होता है और ब्लड ट्रैवल्स थ्रू योर वेन्स, तो आपके सारे जो नस है वो खुल जाते हैं। एंड इज दैट गुड इवन फॉर, डज दैट एक्ट, मतलब विमेन पे भी इट एक्ट्स इन द सेम वे? आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर विमेन, क्योंकि मेन हैव अ डिफरेंट फैट काउंट एंड फैट परसेंटेज, बहुत मतलब इसके पीछे एक साइंस है। मैं इतना ही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सबकी बात कर रहा हूँ, आपको जो भी खाना है वो 2 बजे 3 बजे के पहले खाइए, उसके बाद जस्ट मेक श्योर योर डाइट इज मोर प्रोटीन। हाँ जी, एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने छोड़ दी और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, एंड व्हेन वी गो इन अबू धाबी फॉर 40 डे, मैं इतने स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट पे नहीं जाता क्योंकि माय मेटाबॉलिज्म इज़ प्रीटी हाई, तो आई स्टार्ट बर्निंग इट क्वाइट क्विकली, बट वो 40 दिन अबू धाबी में मैंने पिज्ज़ा नहीं छुआ, मैंने कुछ सॉल्ट बहुत कम हो गया था, कार्ब्स ड्रास्टिकली कट गए थे, बट पिज्ज़ा इज़ अ वीकनेस फॉर मी, एंड समटाइम्स ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑन इट, यू गेट सब खुश हो गए, मेल्टेड ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑन इट, तो वो जब पिघलता है तो मतलब हम भी पिघलते हैं, मेल्टेड चॉकलेट। So this is a the song is going to be out on 12th Tuesday ko release karenge hum log aap sab ke sath, but before that one tip that I got from John jo maine Pariniti ko diya tha, because she was on a diet, you know, water she had lessened and salt she had lessened, bahut weak feel kar rahi thi beech mein kabhi, so she saying I need something aur mere dimag mein wo bubble aaya, ha John ne honey liya tha, I said I have honey, it's very good for you, someone told me, so I gave her honey, I'm not joking. I gave a lot of honey, but उसने काफी हनी खा लिया था, तो बहुत तंदुरुस्त। Breakfast. Breakfast में normal egg whites, oatmeal, fruit, सब कुछ। Breakfast is heavy. John, आप को तो fitness को मानते हैं, आपकी wife को Well, I think everybody in the family is into fitness. मैं कुछ टिप्स नहीं देता हूँ, मैं किसी को टिप्स देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ टिप्स लेता हूँ, मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ। He's a very good learner. पूछ लिया वो, रिपीट है अभी। Thank you guys. हाँ? This man here, jackhammer and sledgehammer. I think वो एक face था जो बहुत बड़ा face था 6 packs का 8 packs का, but I think we've now gone back to another type of face where being जो health है वो सबसे important होता है। अगर आप अक्षय कुमार को देखिए, वो इतने सालों से इतने fit है, avoids injuries, और आज तक इतने यंग दिखते हैं। I think John admires Akshay's fitness as well. Tremendous fitness I think that Akshay has. And as an actor, I think मुझे अगर जब मैं उस उम्र का हो जाऊँ, अगर मैं अपने body को उस तरीके से रख सकूँ उस उम्र तक, it'll be great. Varun, what is लड़की को impress करने को क्या? लड़की in fitness, build your legs not your biceps. Yeah. अगर आपको आई थिंक टफेस्ट पार्ट इज की आप मतलब सब चीज़ों के लिए हाइट के लिए यू कैन प्रिपेयर फॉर द हार्नेसिंग, यू कैन प्रिपेयर जो विंड का वेलोसिटी है, जब आप
when you're going down and the wind is hitting you at that speed, you can't prepare for that. So when the skin goes in slow motion, so it was actually happening with us. And we were trying to show that we were heroes and the jawline would cleanse good. But the whole skin was flying behind. Do you all have a skin part for you as well? Yeah, I think it was very tough because the sequence tha, wo, not only was it the most expensive sequence ever shot, I think it was also the most dangerous. So Varun ka ye first time tha, so yeah. Honestly I give him credit because it's very easy to say that you know I can do this. But in the way that Varun has actually carried off the first time was fantastic. How difficult is it to keep up? That's the last question. Pardon me? It's impossible. Varun's fantastic. And jabhi main Varun ko dekhta hu when he's dancing, I look at his feet and I think they're moving so fast. What's happening? But he's really, really, really fantastic. He's really good. Thank you guys. Thank you so much. Thank you guys. July 29, Dishom. Thank you.